हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हरियाणा जीके में बौद्ध धर्म के साथ। विषय क्या रहेगा? बौद्ध धर्म। चलिए, संस्थापक महात्मा बुद्ध, स्थापना का कारण, कारण क्या था? वही जैन धर्म वाला ब्राह्मणों को चुनौती देना, क्या कारण था? ब्राह्मणों को चुनौती देना। अब बात रहती है जन्म की, 563 बीसी में, वही कहां? कपिलवस्तु में। अरे कपिलवस्तु कहां है? लुम्बिनी में। लुम्बिनी वही लिखते हैं मृत्यु वही 483 बस्ती कहां? कुशीनगर में। और जो ये कुशीनगर है ना, कुशीनगर कहां है? उत्तर प्रदेश में। कहां है? उत्तर प्रदेश में। अब यहां से आगे बढ़ते हैं और क्या देखेंगे हम, एक बार देखेंगे कि माता का नाम महाप्रजापति गौतमी, ठीक। अब पालन पोषण इसने नहीं किया, पालन पोषण बल्कि दो माताएं मानी गई है, पालन पोषण किया मौसी ने। तो मौसी क्या थी? महामाया, राइट। पिता सुद्धोधन, अब इन्होंने शादी की यशोधरा से और एक पुत्र की प्राप्ति हुई, पुत्र का नाम मुझे याद नहीं, आप बताइएगा क्या है? राहुल, राइट। अब है ना, इन्होंने एक नदी थी ज्ञान प्राप्ति हेतु निकले, ये कैसे निकले? ज्ञान प्राप्ति हेतु, ज्ञान प्राप्ति हेतु निकले ना, तो इन्होंने सबसे पहले तो मुंडन करवाया। ये मुंडन क्या होता है? अपने सिर के बालों को कटवाना अच्छे कार्य के लिए। तो वो अमोना नदी के किनारे, कौन सी नदी थी? अमोना नदी के किनारे मुंडन करवाया। अब बात तो ज्ञान प्राप्ति की थी, ये एक नदी के किनारे बैठे, कौन सी नदी के किनारे? निरंजना नदी। इस नदी के किनारे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। स्थान कौन सा था? एक बार देखिए यहां बात आती है, जब इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है ना, तो ये 6 साल तप करते हैं, कितने? 6 साल, और 7 साल भटकते हैं। और जब ज्ञान की प्राप्ति होती है ना, तो 35 साल की आयु में इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है, राइट। निरंजना नदी के किनारे इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो 6 साल तप करने के बाद, कितने? 6 साल तप के बाद 35 वर्ष की आयु में एक रफली एक कार्य लेना है, 16 वर्ष की आयु में, ये रफली कार्य है भाई, इनकी शादी होती है कितनी आयु में? 16 साल की आयु में। 6 साल ये गृहस्थ जीवन जीते हैं, तब तक आयु हो जाती है 22 साल। 7 वर्ष ही ज्ञान की प्राप्ति में भटकते हैं, आयु हो जाती है 29 वर्ष। अब 6 वर्ष तप करते हैं तब ज्ञान की प्राप्ति होती है, तो कितने वर्ष की आयु होती है? 35 वर्ष में ज्ञान प्राप्ति होती है। ये कार्य बड़ा रफली है, समझाने के लिए बताया गया था आपको, कितने में? ज्ञान की प्राप्ति में। 35 वर्ष में ज्ञान की प्राप्ति हुई ना, तो इन्होंने प्रथम उपदेश दिया, कहा? सारनाथ में, राइट। तो बाद में क्या बनाया गया? बोध गया, वहां पर अशोक महान द्वारा। बोध गया की स्थापना किसने की थी? महाराजा अशोक ने। तो अशोक मौर्य वंश का राजा था भाई, कौन से वंश का? मौर्य वंश का। तो अशोक ने वहां पर एक अशोक चक्र बनवाया था, यह प्रश्न प्रमुख है।
उसमें 24 तिल्ली थी। देखिए 24 तिल्ली, समझने की बात है यहां पर। जब भारत के राष्ट्रीय प्रतीक का बात आती है ना, तो ये अशोक चक्र की 24 तिल्लियां है ना, 24 घंटे प्रगति का काम करती है। और बात आती है बौद्ध धर्म की, तो 24 तिल्लियां बौद्ध धर्म के 24 नियमों की बात करती है। किसकी बात करती है? बौद्ध धर्म के 24 नियमों की बात, राइट। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब बौद्ध धर्म था ना, बौद्ध धर्म के नियम वही जैन धर्म वाले नियम। जैन धर्म के नियम क्या क्या थे? नंबर एक, चोरी नहीं करना। नंबर दो, धन नहीं रखना। नंबर तीन, सच बोलना। नंबर चार, इंद्रियों को वश में रखना। इंद्रियों को वश में रखना और नशा न करना। यही पांच नियम जैन धर्म के और यही पांच नियम किसके? बौद्ध धर्म के। जब हमने जैन धर्म को दोहराया तो हमने ये पॉइंट मिस किया था वहां पर, वही नशा न करना। याद रहे पांचवा नियम कौन सा जैन धर्म का? नशा न करना। इसके बाद जैन धर्म की दो संहितियां बनी थी ना, तो बौद्ध धर्म की कितनी बनी? बौद्ध धर्म की संगति पांच, जिनमें तीन संगति प्रमुख है। कितनी संगति प्रमुख है? तीन। देखेंगे पहली संगति 483 बीसी में, दूसरी संगति 383 बीसी में, तीसरी संगति 251 बीसी में। तीन संगति बहुत प्रमुख है। पहली संगति राजगिरी में, दूसरी संगति वैशाली में, तीसरी संगति पाटलिपुत्र में, राइट। अब अगर शासक का भी पता लग जाए तो बहुत अच्छा भाई। पहली संगति बनाई थी अजात शत्रु ने हरिहर वंश में, दूसरी नागवंश में कालाशोक ने, और तीसरी संगति बनी थी हमारी मौर्य वंश में, किसने बनाई? अशोक ने। अब ये पहली किसमें थी? हरियंक वंश, दूसरी नागवंश और तीसरी मौर्य वंश। प्रमुख संगति कितनी बनी? तीन। दो संगतियां नहीं हुई, इतनी प्रमुख नहीं है, फिर भी हम उनको लिखते हैं। तो चौथी ये बनी थी अपनी 72 एडी में। कब बनी थी? 72 एडी में। कहां? कुंडलवन में। और किसने बनाई थी? कनिष्क ने। और चौथी संगति, पांचवी संगति 543 एडी में, किसने बनाई थी? हर्षवर्धन ने। कहां? वर्धन वंश में। और कहां? ये कन्नौज में। कहीं कहीं बलंगी लिखा मिलता भाई। राइट आंसर हमारा क्या होगा एसएससी के अनुसार? कन्नौज। ये हमारा आज तक कभी भी विषय में नहीं आया। ये तीन प्रमुख संगतियां हमारी रहेगी भाई, राइट। अब हम दो प्रकार के अनुयायी होते थे भाई जैन धर्म में। कितने प्रकार के? दो प्रकार के। एक तो होते थे भिक्षु और एक होते थे उपासक। भिक्षु वो होते थे जो वहीं पर रहते थे जहां शिक्षा लेते थे और भीख मांग के लाते थे। उपासक वो होते थे जो शिक्षा ग्रहण की और अपने गृहस्थी जीवन में चले गए, राइट। वो क्या होते थे? उपासक।
अब ये धर्म है ना, बौद्ध धर्म खत्म हो चुका भाई, लगभग खत्म होने के कगार पर है। कारण क्या थे खत्म होने के? देखिए प्रमुख कारण क्या थे, नंबर एक जो धर्म था ना, धर्म धर्म में अधिक दान प्रमुख कारण था, अधिक दान। एक महिला प्रवेश, महिलाओं का प्रवेश हो चुका था। एक था लालच की भावना, लालच की भावना, और एक परिवारवाद। अधिक दान आने के कारण ना सभी अपने परिवार के सदस्यों को बौद्ध धर्म के प्रमुख अनुयायी बनाने लग गए। ये इनके क्या थे, पतन के प्रमुख कारण थे, राइट। अब आज आपने दोहराया बौद्ध धर्म, कैसी वीडियो लगी कमेंट में हमें जरूर बताइएगा।